What is up boys and girls? के हाल मुझे भैया लिटरली तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ब्रादर तू ट्रेनर अरीना क्यों नहीं खेलता। तो वेल देखो मेरे में भैया लिटरली ट्रेनर अरीना चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है बट बिल्कुल नहीं चल रहा। मैंने मेरे दोनों अकाउंट में देख लिया बट लिटरली ट्रेनर अरीना चल ही नहीं रहा, वहीं पे जाम हो जा रहा है, खेलूं कहां से। एंड वेल भैया उसके अलावा मुझे पता है काफी लोग ये कहोगे कि ब्रदर तो बैड वॉर्स क्यों खेलता है इतना ज्यादा। तो वेल इसके दो रीजन है। पहला, तुम लोगों को देखना पसंद है, तुम काफी टाइम से कह रहे थे कि ब्रदर सिर्फ बैड वॉर्स खेला कर। एंड दूसरा रीजन भैया मेरे को अपने ना अपने को ये आर्मर मांगता है, ठीक है, ये वाला, हाँ ये जो देख रहे हो ना ये बाल, आई लव दिस, है ना। तो यही दो रीजन है कि मैं भैया बैड वॉर्स इतना खेल रहा हूँ। एंड दूसरी बात, मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, मेरे को भैया पीसी में ना वापस से अपनी ग्राइंडिंग करनी है और टाइम मिलता नहीं है, तुम जानते हो। तो या दिस इज द वे, ओके दिस इज द वे। हाँ खैर बहुत समझा लिया, अब चलते हैं सीधा युद्ध लड़ने के लिए। यस आई वॉन्ट फाइट, है ना, आई वॉन्ट फाइट, बस मैं गिरना चाहूँ। मेरे को डर यही लग रहा है कि कसम से मैं गिरना चाहूँ, बस आओ कोई मेरे सामने, बस उसको जिंदा काट के फेंक दूंगा। एक एमरल्ड मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है, मैं ऊपर चले जाता हूँ। या मैं ऊपर बैठूंगा भैया, यहाँ पर मेरे को एमरल्ड नहीं है, व्हाट द हेल, एमरल्ड कौन चोर के ले गया बे, किसकी इतनी जरूरत जो हमारे एमरल्ड को हाथ लगाए, दिख तो कोई नहीं रहा। एंड बाय द वे भैया ये वाला मैप पहले तो ना लगाए से ना लग रहा था, एंड अब देखो ऐसे ही मुंह उठा के आ गया और ये छोरा हमारे बीच में जा रहा है। ब्रदर नशे में है का, एक्चुअली तेरे को, अरे नहीं रे, ओके आउच, दैट वाज लिटिल बिट आउच। चलो ठीक है, जो भी हो इस छोरे की गलतफहमी दूर कर देता। हाँ अच्छा, क्या सोच के आए थे यहाँ पर, है कि सरदार खुश होगा, समासी देगा, हाँ मतलब भाई मिड लेवल का बावड़ा था ये बंदा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, मिड लेवल का बावड़ा था। ब्लू हेल्प ब्लू से हेल्प काहे मांग रहा है ब्रदर, नहीं वो काहे हेल्प करेगा तेरी। हेलो सर, आपका एक बंदा हमारा बैड तोड़ के गया है तो उसका हर्जाना आप सभी को भुगतना पड़ेगा। सॉरी सर, मुझे पता है ये ज्यादती है बट हाँ अब जो है वो है। ओ हाय सर, अरे कैसे सर, मैं ओ ब्लू से हेल्प मांगी जा रही थी कई, अच्छा ब्लू के लिए हेल्प मांगी जा रही थी मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर बट होगा इसका कुछ। अच्छा ब्लू कूट रहा है उनको, जे बात है तो ऐसे बोलो ना, मैं आके तुम्हारा बैंड बजा के चला जाऊंगा। अच्छा यो छोरा भी उदम कर रहा है, ओ भाई हेलो, ओ सरपंच, ओके ग्लाइडर वाला बापड़ा, मैं पीछे से कोई टड़ा दे के भाग जाएगा भाई, मेरे को ये नजायज पना नहीं करना चाहिए एक्चुअली, है ना। यस एंड वाओ ये छोरा डेफिनेटली हेल्प के लिए कह रहा था और इसको एक्चुअल में हेल्प चाहिए बे। चलो ठीक है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, है ना। हाँ भाई ब्रदर, मैंने तेरी हेल्प की, खुश हो जा, यही है ना, नहीं है डेफिनेटली ये नहीं है बट जो भी हो इसका सामान तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ एंड उसके अलावा मेरे पास 3 एमरल है, मेरा आर्मर कंप्लीट है बट मैं फिर भी ये ले लेता हूँ। Why? No, अरे एक्चुअली वेट, याद आ गया भैया, याद आ गया, ठीक है, फिर अभी खो देता ना तब भूल रोता डोलता। एटलीस्ट वी आर सेफ नाउ, ठीक है, हाँ क्योंकि मैं मरूंगा तो गिर के ही मरूंगा। एंड ग्रीन पाइप आउट हो चुकी है और मैं अपना आर्मर कंप्लीट कर लेता हूँ एक्चुअली। अरे यार एक डायमंड सोर्ड लेके जाऊंगा ना, हाँ तगड़ा डैमेज मिलेगा उससे। ओके देन, तो भैया आर्मर लेना कैंसल, अब अपन लोग लेने वाले हैं डायमंड सोर्ड, वैसे भी अपनी ड्रैगन सोर्ड भी तो है ना, जे बात आन दो आप कौन सा, एक्चुअली वेट मेरे को शायद न्यू स्वॉर्ड इफेक्ट मिला है, राइट, हाँ ये इतना ही भंडू में एक्चुअली, है ना, ऐसे मत देखो तुम, यप मैं भूल गया था इसके बारे में कतई। एंड अब मैं ले लेता हूँ अपने आर्मर का मिसिंग पीस और देन अपनी लाइफ जिंगल आला हो जाएगी। यस 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 यस, नाउ वी आर रेमंड द कंप्लीट मैन। अब इसे कायदे से देखा जाए तो अभी मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरे को अभी
पूरा आर्मर नहीं बना मेरा है ना, तुम देख सकते हो अभी आधा अधूरा आर्मर है अपना, बट यप वी आर स्टिल कंप्लीट मैन है ना। एंड कोई एमएलजी वगैरह करूं? अरे छोड़ो काहे की एमएलजी यार, चलते हैं ऐसे ही। हाँ भाई ब्रदर, आ रहा हूँ तुम्हारे बेस पे, तैयार रहना मेरे लिए। यप मेरे को एक्चुअली या परफेक्ट भाई का अनुमान एकदम ओपी, ठीक है। हाँ अब कौन आएगा मेरे पास, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है वो ऊपर आ सकता है। वेट मैं नीचे आ गया, अरे मैं ब्रदर सोड इफेक्ट कितना कूल है यार ये। हाँ आजा ब्रदर आजा, मार दे मुझे, आई वांट टू डाई ब्रदर, प्लीज किल मी। लो मारने से पहले फटके पड़ गया ये तो। ओके इनको मारना इजी है एक्चुअली, यप वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी 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 वेरी। अबे चैन तो ले लें दो यार। ओ भाई मेरा पेट टूट चुका है इतने बंदों में बैठ के। ओए ब्रदर ये मेरे बंदे हैं ठीक है, मैं इनके नाल चाहे जो कर सकता हूँ, तू कौन होता है जो इन पे हाथ उठा रहा है। मेरी पूजा करो हराम खोरो, तुम्हारी जान बच। वाओ भाई आजकल मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को ठीक है, भलाई का ना कोई जमाना नहीं रहा, मतलब उन छोरों की मैंने जान बचाई थी। हाँ वो बात अलग है, कूटा भी था साथ में, बट जान बचाई थी ठीक है। हाँ जान बचाई थी मैंने, और मेरे साथ ऐसा किया इन लोगों ने। भाई साहब यहाँ पर फाइट इंटेंस होती जा रही है, एंड अब मेरे अगेंस्ट में। ओ नहीं नहीं, ओ ओ ओ, ओ, ओ ब्रदर लग गई, अबे लग गई। भाई साहब ये छोरा पता नहीं कहाँ से बच गया था, मैं सोच भैया आई एम सेफ, बट इन एक मिनट ये डायमंड मुझे मिल क्यों नहीं रहा। हाँ मिल गया, थैंक यू। ओए तो अब मैं एक्चुअली एक काम कर लेता हूँ अपनी, तो नहीं रहा ना कोई सा मेरे पास, मैं से मेरे पास एक ही डायमंड है, बहुत अच्छी। ए भाई ये क्या बात होती है, हैं ब्रदर ऐसे क्यों कर रहा है, हैं मतलब तेरे घर वालों ने तेरे को मैनर्स ना दिए के, मतलब कोई बंदा कुछ काम कर रहा है ब्रदर उसको चैन से काम करने देना, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं क्यों भाई समझ में नहीं आता मेरे को इन लोगों का। ओ ओ ओ अब मेरी कंडीशन थोड़ी बेकार है, मेरी कंडीशन बेकार है, मेरी कंडीशन बेकार है, मेरी कंडीशन बेकार है, मेरी कंडीशन बेकार है। भाई साहब मैं गया ना एक्चुअली बहुत डर के भग लिया। रुक जा ब्रदर रुक जा, मैं तेरे को ऐसे तो नहीं भगने दूंगा ठीक है, हैव अ गुड डे ब्रो। ओ भाई साहब सर्वाइव कर गया वो भैया, कसम से कह रहा हूँ वो पता नहीं कैसे बच गया, बट वो बच गया। ओ भाई यहाँ देखो ये चार में अकेला, और तब भी इनकी फटकी 64 करी रखी है मैंने, क्या हालत। नहीं ब्रो, अरे नहीं भाई इसीलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस किल, ठीक है। मैं उस बंदे को इजिली कूट सकता था, उसकी पूरी टीम को खत्म कर सकता था, बट मेरी हरकतों ने मुझे बर्बाद दिया। बट क्या जो भी हो, नया दिन, हाँ सॉरी नया गेम नई शुरुआत है ना, एंड इस बार मैं ना पूरा आर्मर वार्मर लेके रहूंगा ठीक है। वो तो पहले भी ले लिया था एक्चुअली मेरे पास था, बट मैंने लिया नहीं, हाँ आखिर में नशेड़ीपन कर दिया, बट ठीक है इस बार अपन पूरा आर्मर लेंगे ठीक है, एंड इन लोगों को कुत्तों की तरह कूटेंगे। बट पहले तो जाकर एमरल ले आते हैं राइट, एंड मैं अपना ब्रिज खुद बनाऊंगा ठीक है, मुझे कायदा ना सिखाओ तुम लोग, मैं अपने रास्ते खुद बनाता हूँ। भाई साहब नाइस, आई लविंग इट ठीक है। ब्रो तो मेरे हाथ से मर ले प्लीज, नहीं मैंने सोचा पहला उद्घाटन मैं करूँ, बट ओके नेवर माइंड। ओ यहाँ पर तो मेरे, ओए ये बंदा मेरा है, एक मिनट ये बंदा मेरा है ये मेरा बंदा, ओए हराम के दिए मेरे बंदे के नाल। ओ हाय सर, ओ कुंफू पांडा, हाँ अरे 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 कहाँ ब्रदर कहाँ डोल रहे हो, ऐ कहाँ डोल रहे हो पागल हो का, ओ 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 ब्रो कहाँ अरे कहाँ सर जी काहे, अरे काहे सर काहे इतना मतलब अग्रेशन जा रहा है तुम्हारे अंदर है, हमको समझाओ थोड़ा। ओके फाइनली इसने कुंफू पांडा कूट दिया, एक मिनट वेट ये क्या चाहता है, क्यों चाहता है, क्यों और ओ नहीं भाई मैं बता रहा हूँ मेरा कछु नहीं हो सकता ठीक है, मतलब भाई लिटरली मतलब क्या बोलूँ, मेरे कसम से पल्ले नहीं पड़ रहा ठीक है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कुछ भी ठीक है। ओके एवरीथिंग इज ओके ठीक है। हाँ अब आप लोग जा रहे हैं दोबारा से, पता नहीं क्या करके आऊंगा, बट जा रहा हूँ, हाँ जा रहा हूँ बिल्कुल फाइट करके आऊंगा।
बट फाइट करने से पहले एम्ब्रल ले लेते हैं एंड इस छोरे ने एम्ब्रल ले लिए। आ जा ब्रोदा तेरा ही। ओह भाग गया वो तो। आइए सर आपका स्वागत। हाँ ब्रो हाँ चलता जा मैं तेरे साथ आ रहा हूँ ना, दोनों मिलके मारेंगे इनको। शिट हाँ हाँ आ जा ब्रो। ओह वेट अच्छा बैट टूट चुका है मैं। नाइस ओके। अबे ये क्या चाह रहा है अपनी जिंदगी से है साले, आसमान की ऊंचाइयों में जाके कर क्या लिएगा तू? ये बाबड़ा है एक्चुअली। यप ही इज 100% ट्रिपी। अपन उसको बाहर में जाने देते हैं एंड अपने लिए अपन बाकी सामान ले लेते हैं। ओ यू आर कमिंग सो फास्ट ब्रो है, मेरे को यकीन नहीं था ब्रो तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। अच्छा ये बने वो नहीं है, ये कोई और है। ओ ओ, ओ, ओ